नमस्कार, ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में, हाउ टू एक्सपोर्ट टू ब्रुनेई। आप भारत से कैसे ब्रुनेई एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। सो ब्रुनेई एक छोटा सा देश है, इस्लामिक कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है मलेशिया है और चाइना है। चाइना साउथ चाइना सी में लोकेटेड है और मलेशिया का जो सर्वोक स्टेट है उस एरिया में लोकेटेड है। और सर्वक और बोर्नियो आइलैंड के एरिया में वो लोकेटेड है। छोटा सा देश है, छोटा सा कंट्री है और ऑयल रिच कंट्री है। यानी ब्रुनेई में काफ़ी सारे ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पाया जाता है। और ब्रुनेई वर्ल्ड वाइड नेचुरल गैस और ऑयल एक्सपोर्ट करते रहता है। इसीलिए ब्रुनेई एक छोटा सा देश है और सबसे रिचेस्ट कंट्री है। जैसे कतार है, आज के तारीख में कतार छोटा सा देश है और सबसे रिच कंट्री है वर्ल्ड का, ऐसे ही ब्रुनेई एक छोटा सा कंट्री है और सबसे रिच कंट्री है। और ब्रुनेई का जो सुल्तान है, कंट्री का जो हेड है, वो भी एक रिचेस्ट मैन है इन द वर्ल्ड। सो ब्रुनेई का जो लैंग्वेज है मालयो लैंग्वेज है और लोग हैं इस्लामिक लोग हैं। और करीब 4,37,000 लोग यानी पॉपुलेशन है, छोटा सा पॉपुलेशन कंट्री है। और करीब 11,500 इंडियंस वहाँ रहते हैं, काम करते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है प्रोफेशनल काम करते हैं, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, इस कैटेगरीज में ज़्यादा करके लोग काम करते हैं इंडियंस। और 4,37,000 पॉपुलेशन होने के बावजूद ब्रुनेई एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया के लिए, क्योंकि 4,37,000 जो लोग हैं उनके पास काफ़ी सारा पैसा है और परचेसिंग पावर है। इसीलिए ब्रुनेई भी एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत के लिए। और ब्रुनेई का जो करेंसी है ब्रुनेई डॉलर काफ़ी रिच करेंसी है। सो 1 ब्रुनेई डॉलर इंडिया का आज के तारीख में 55 रुपीज मिलता है। सो आज बात करेंगे ब्रुनेई का एयरपोर्ट के बारे में, ब्रुनेई का जो सीपोर्ट के बारे में, और क्या क्या प्रोडक्ट ब्रुनेई एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट ब्रुनेई वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट करता है, और भारत हमारा देश भारत क्या क्या प्रोडक्ट ब्रुनेई को एक्सपोर्ट करता रहता है, और ब्रुनेई से आपको कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा उस बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। सो आइए मैं शुरू करता हूं वीडियो। सो अभी बात करेंगे ब्रुनेई का पोर्ट के बारे में। ब्रुनेई में कितना पोर्ट है सी पोर्ट से जो ब्रुनेई को मदद करता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए, आइए मैं बताता हूँ। सो कितना पोर्ट है ब्रुनेई में आपको बता रहा हूँ। 5 पोर्ट है, हाई पोर्ट्स ऑफ ब्रुनेई, पोर्ट ऑफ बंदर सरी भगवान, उनका जो कैपिटल में लोकेटेड है, पोर्ट ऑफ कोला बायट, पोर्ट ऑफ मोहरा, पोर्ट ऑफ तामजंग, सालिरोंग और सालिया ऑयल टर्मिनल। सो ये उनका जो मेन सी पोर्ट है। और उनका जो एक एयरपोर्ट है बंदर सरी भगवान, जो उनका जो कैपिटल है उसमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ब्रुनेई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आयाटा कोड आपको बता रहा हूँ BWM। तो ये हो गया जो ब्रुनेई का सी पोर्ट और एयरपोर्ट्स। सो ये आप लिस्ट कर लीजिए, जब आप इंडिया से ब्रुनेई एक्सपोर्ट करोगे तो आप ये इम्पोर्टेंट सी पोर्ट और इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट भी आप लिस्ट कर लीजिए, ताकि आगे जब आप कैलकुलेट करोगे या कॉन्टैक्ट करोगे आपका जो बायर्स को, तो आपको ईजी पड़ेगा कि आप इंडिया से कौन सा पोर्ट से ब्रुनेई कौन सा पोर्ट एक्सपोर्ट करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर आप इंटरनेशनल एयर कार्गो में आप ऑपरेट करना चाहते हो तो कौन सा एयरलाइंस इंडिया टू ब्रुनेई ऑपरेट करता है मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप सी पोर्ट यानी एयर सी कार्गो में भेजना चाहते हो इंडिया से, तो cogoport.com आप जाइए, उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो इंडियन पोर्ट टू ब्रुनेई पोर्ट, कौन सा पोर्ट से कौन सा पोर्ट आपको ईजी होगा, प्राइस आपको मालूम पड़ जाएगा, और आपको कंटेनर भी आप बुक कर सकते हैं। और बाकी सारे बहुत सारे शिपिंग कंपनी है इंडिया का, कार्गो कंपनीज है, मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, इन कंपनीज को आप कॉन्टैक्ट करिए, वो भी आपको कैलकुलेट करके बता देंगे भारत से ब्रुनेई तक अगर आप एक्सपोर्ट करोगे उसका प्राइस क्या आएगा कंटेनर का, 20 फीट कंटेनर और 40 फीट कंटेनर, ये सब आपको प्राइस आपको बता देंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे ब्रुनेई क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है और क्या क्या प्रोडक्ट इम्पोर्ट करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो ब्रुनेई लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ब्रुनेई एक्सपोर्ट्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, केमिकल्स। सो ब्रुनेई का जो ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है 90% ब्रुनेई का एक्सपोर्ट है, यानी काफ़ी सारे
इतना उनके पास ब्रुनेई के पास इतना नेचुरल गैस है, इतना ऑयल है कि 90% उनका एक्सपोर्ट होता है, काफी सारे एक्सपोर्ट होता है। सो इसीलिए आज ब्रुनेई एक्सपोर्ट की वजह से, नेचुरल गैस और ऑयल के एक्सपोर्ट की वजह से ब्रुनेई एक रिच कंट्री है। जैसे कतर के पास काफी सारा नेचुरल गैस है, वर्ल्ड वाइड वो एक्सपोर्ट करते रहता है, इसलिए कतर आज एक रिचेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। उनका जीडीपी बहुत हाई है और लोग बहुत रिच है। वैसे ही ब्रुनेई एक रिच कंट्री है, नेचुरल रिसोर्सेस उनके पास है और काफी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं और 90% उनका जो एक्सपोर्ट है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इसीलिए ब्रुनेई आज एक रिच कंट्री है। अभी हम बात करेंगे इंडिया, हमारा भारत के, भारत का जो एक्सपोर्टर्स और इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट ब्रुनेई एक्सपोर्ट करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू ब्रुनेई। सो मीट, मीट प्रोडक्ट है फ्रोजन बोनलेस मीट, सी फूड, ऑनियंस, राइस, वेट कैश्यू नट्स है, ग्राउंड नट्स, मैज। सो ये देख सकते हैं फ्रेश एंड पैक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स, मोटर कार्स, व्हीकल्स एंड रेसिंग कार्स, एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल, कल्चरल एंड फॉरेस्ट मशीनरी, टैप्स, कॉक्स, बेल्ट्स देख सकते हैं, वेवन वेवन फैब्रिक्स एंड सिंथेटिक्स फैब्रिक्स, गारमेंट्स, टेक्सटाइल क्लोदिंग, ट्यूब्स, पाइप्स ये सब देख सकते हैं, आयरन स्टील, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, मेडिसिन वगैरह, स्नैक्स एंड स्पाइसेस और बिल्डिंग मटेरियल्स। सो ये जो है इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं भारत, हमारा भारत इंडिया ब्रुनेई को एक्सपोर्ट करता है। ये जो लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ ये पूरी और बहुत सारे लिस्ट है इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन एक्सपोर्टर्स ब्रुनेई को एक्सपोर्ट करते रहते हैं। तो इन जितने सारे प्रोडक्ट है मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप वहां से लिस्ट कर लीजिए, फिर आपको इजी पड़ेगा कि क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होता है ब्रुनेई। अभी बताता हूँ आपको द लिस्ट ऑफ बायर्स, इम्पोर्टर्स, ट्रेडर्स, होलसेलर्स इन ब्रुनेई। वो कौन से सारे इम्पोर्टर्स है, बायर्स है, होलसेलर्स है, सुपरमार्केट्स है जो वर्ल्ड वाइड और इंडिया से वो खरीदते रहते हैं प्रोडक्ट, कुछ कंपनीज का लिस्ट आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। सो द लिस्ट ऑफ बायर्स, इम्पोर्टर्स, ट्रेडर्स, सुपरमार्केट्स, होलसेलर्स ऑफ ब्रुनेई। सो महाथिर सुपरमार्केट, सोनली सुपरमार्केट्स, एडी माइनर सुपरमार्केट है, द न्यू कंपनी है, जलान ए टू वेस्टमार्ट है, ये जितना सारा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ट्रेडिंग कंपनीज है और सुपरमार्केट्स है और होलसेलर है, बायर है। एक अपनी कंपनीज आपको, जितने सारे कंपनीज आपको दिखा रहा हूँ इन कंपनीज को मैंने आप हमारा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, इन कंपनीज को पूरा आप ले कॉपी पेस्ट कर लीजिए। कॉपी पेस्ट करके आप गूगल में जाके वन बाय वन कंपनी को आप ऐड करके आप सर्च करिए तो इन कंपनीज का वेबसाइट आपको दिखाई देगा और कॉन्टैक्ट और स्पेस दिखाई देगा, फिर आपको मालूम पड़ेगा उनका जो सर्विसेज में जाके, प्रोडक्ट सर्विसेज में जाइए, फिर आपको मालूम पड़ेगा इन कंपनीज क्या क्या प्रोडक्ट में डील करते हैं, फिर आप इन कंपनीज को ईमेल कर सकते हैं, आपका प्रोफाइल भेज सकते हैं कि आप इंडिया से उन कंपनीज को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो ये एक तरीका हो गया कि वहां से कैसे ऑर्डर मिलेगा। तो जितने सारे इम्पोर्टर्स है, बायर्स है, ट्रेडर्स है, मैं काफी सारा लिस्ट कर देता हूँ इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में, तो आपको इजी पड़ेगा, आप कॉपी पेस्ट करके उनसे उन कंपनीज को कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे द येलो पेजेस है, ब्रुनेई का येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, बी टू बी ट्रेड पोर्टल से, इंग्लिश न्यूज पेपर से, काफी सारे वेबसाइट आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। सो द yp.com.bn, द ब्रुनेइयन न्यूज और ब्रुनेई इवेंट्स है, ब्रुनेई क्लासीफाइड्स है, ब्रुनेई बुलेटिन है, brunei.yp.com है, ये जितना साइट आपको मैं दिखा रहा हूँ ये है बी टू बी ट्रेड पोर्टल्स, बी टू बी ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज एंड इंग्लिश न्यूज पेपर्स ऑफ ब्रुनेई। तो आप जितने सारे आपको मैं दिखा रहा हूँ इन साइट्स को मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, आप इन साइट्स को कॉपी पेस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में, हर साइट में लॉग इन करके आपका कंपनी को लिस्ट करिए, रजिस्टर करके आपका कंपनी को लिस्ट करिए, प्रोडक्ट सर्विसेज लिस्ट करिए हर साइट में, ताकि ब्रुनेई में जितने सारे इम्पोर्टर्स, बायर्स, ट्रेडर्स है जब सर्च करेंगे तो आपको कंपनी उनको दिखाई देगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब सर्च इंजिन है उनका जो बिजनेस डायरेक्टरी है येलो पेजेस है, और उनका जो येलो पेजेस में जाके आप सर्च कर सकते हैं, बाकी काफी सारे कंपनी का लिस्ट आपको मिलेगा, काफी सारे जो क्लासीफाइड साइट को आपको दिखा रहा हूँ, क्लासीफाइड साइट है उसमें रजिस्टर करके आप काफी सारे वहाँ का इम्पोर्टर्स, बायर्स को आप सर्च कर सकते हैं, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
जितने सारे सर्च इंजिन में आपको दिखा रहा हूँ, जितने सारे येलो पेजेस ट्रेड डायरेक्टरीज नहीं, वो सारे साइट मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ। हर साइट में आप रजिस्टर करके आपका कंपनी लिस्ट कर दीजिए और आपका प्रोडक्ट सर्विसेज लिस्ट कर दीजिए, प्राइसेस, फोटोज और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, ताकि ब्रुनेई में जब वहाँ का जो लोग, वहाँ का जो ट्रेडर्स बायर्स सर्च करेंगे ऑनलाइन में, तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कर लीजिए आप अगर आपको ब्रुनेई से आपको एक्सपोर्ट करना है। और तरीका है, ब्रुनेई में उनका जो बंदरसारी उनका जो राजधानी है, वहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपो होता है। मलेशिया का कुआलालंपुर में एक्सपो होता है, दुबई में जो एक्सपो होता है, तो ब्रुनेई का काफ़ी सारे इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर वहाँ अटेंड करते हैं, ठीक है। तो उनका जो बंदरसारी भगवान, उनका जो राजधानी है, वहाँ पर एक्सपो होता है, चाइना में एक्सपो होता है, और मलेशिया का जो जकार्ता में एक्सपो होता है, और मेनली मलेशिया उनका जो नेबरिंग कंट्री है, तो मलेशिया कुआलालंपुर में होता है एक्सपो होता है, ताइवान में भी एक्सपो होता है, सब जगह में जो वहाँ का इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स ब्रुनेई का वो अटेंड करते हैं। तो आप एक्सपो में भी भाग लीजिए और ब्रुनेई आप ट्रैवल करिए, अगर आपको आपके पास बजट है तो ब्रुनेई आप ट्रैवल करिए, तो वहाँ का लैंग्वेज है मलयाली लैंग्वेज है, इंग्लिश भी चलते हैं, इंग्लिश भी समझते हैं लोग। ट्रैवल करके आप वहाँ का सुपरमार्केट, ट्रेडर्स, बायर्स ऑफिसर्स जाके आप कॉन्टैक्ट करिए आपका प्रोफाइल लेके, फिर आपको ऑर्डर हमेशा 100% मिल जाएगा। और काफ़ी सारे ब्रुनेई का जो कंपनीज है, ब्रुनेई का जो वहाँ का जो ट्रेडर्स बायर्स का कंपनीज है, उनका कंपनीज मलेशिया का कुआलालंपुर में लोकेटेड है, उनका कंपनीज है, क्योंकि मलेशिया के साथ उनका ज़्यादा ताल्लुक रहता है, क्योंकि मलेशिया का जो सरावक स्टेट है उसका पूरा नेबरिंग कंट्री है, वो नेबरिंग कंट्री है, इसलिए ज़्यादा करके उनका मलेशिया के साथ ताल्लुक है। सो ब्रुनेई, अगर आप मलेशिया ट्रैवल करते तो वहाँ से मलेशिया से आप डायरेक्ट जा सकते ब्रुनेई। सो ब्रुनेई जाइए, ट्रैवल करिए, फिर आप वहाँ का कंपनीज को, ट्रेडर्स बायर्स को कॉन्टैक्ट करिए, सुपरमार्केट्स और ट्रेडर्स बायर्स होलसेलर्स को कॉन्टैक्ट करिए, आपको 100% ऑर्डर मिल जाएगी, ठीक है। और आप ब्रुनेई का जो एक्सपो होता है, आपको बता दिया, बंदर का जो राजधानी है और कुआलालंपुर में होता है, आप एक्सपो में भाग लीजिए, प्रोडक्ट सर्विसेज को डिस्प्ले करिए, एक्सपो में भाग लीजिए, उनको ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट करिए सब कंपनीज को, तो आपको 101% ऑर्डर मिल जाएगी। और आपका ईमेल मार्केटिंग करिए, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप ईमेल मार्केटिंग के जरिए आप ऑर्डर मिल सकता है। एक्सपो में भाग लीजिए, कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए और आपका वेबसाइट को बड़ा बनाइए, आपका कंपनी का वेबसाइट को आप बनाइए, एक ई कॉमर्स वेबसाइट जैसा बनाइए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, अनलिमिटेड फोटोज प्राइसेस ऐड कर सकते हैं आप, जैसा ऐसा बनाइए आपका वेबसाइट को, और आपका जो वेबसाइट में ब्लॉग्स रखिए, ताकि एवरी डे या वीकली आपका जो राइटर्स रहता है वो आपका प्रोडक्ट बारे में कुछ लिखे और पब्लिश करे। इसीलिए आप कोई भी आपका सिटी में कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए, जो आपको मदद करेगा फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। तो आपको मैंने डिटेल्स बता दिया हाउ टू एक्सपोर्ट टू ब्रुनेई। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए आपका फ्रेंड्स के साथ, और हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।